बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से एक बड़ी अपडेट, FIA मुलाज़मीन की तनख्वाहों के अलाउंसेज में इजाफा नोटिफिकेशन, इसका बकायदा जारी कर दिया गया। तकरीबन 155% इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। अगर हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ देखें तो इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू, पे एंड अलाउंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ FIA एम्प्लॉयज़। अब उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है जी, देखिए जी, FIA अलाउंसेस जो है उनमें 20% तक रनिंग बेसिक पे पे इजाफा होगा। नंबर यूटिलिटी अलाउंसेस की माद में 25% इजाफा, इन्वेस्टिगेशन अलाउंस में 60% इजाफा, और इसके अलावा एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंसेस में 50% इजाफा। तो इस स्पेशल अलाउंसेस में इसके अलावा 60%, जिसमें BPS 2011 ऑलरेडी ग्रांटेड। तो इस लिहाज से अगर इनकी टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ें तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी खबर है FIA के मुलाज़मीन के लिए कि उनकी तनख्वाहों में 155% इजाफा कर दिया गया। और सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से एक बड़ी अपडेट है कि जिसमें उन्होंने तमाम अलाउंसेस, इनमें से FIA अलाउंसेस है, यूटिलिटी अलाउंसेस है, इन्वेस्टिगेशन अलाउंसेस है, जो में 60% तक जो रनिंग बेसिक पे है, और उसके ऊपर ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो बेसिक पे भी नहीं बल्कि जो रनिंग बेसिक पे है उसके ऊपर इतना बड़ा इजाफा किया है। और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, FIA के मुलाजमीन के हवाले से ये एक बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।